वीडियो मैंने बनाई लग्जरी कार्स के ऊपर, सेकंड हैंड लग्जरी कार्स काफी रीजनेबल प्राइस में आपको यहां पे मिल जाती है। छतरपुर में ये शॉप है क्रेजी अबाउट कार के नाम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको ना काफी अच्छे और काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर लग्जरी कार्स मिल जाती है, जैसे आपकी ऑडी हो गई, लैंड रोवर हो गई, मर्सिडीज हो गई, कन्वर्टेबल बीएमडब्ल्यू हो गई, जो भी काफी हैवी रेंज की कार्स होती है आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और सेकंड हैंड कार्स में यहाँ पे आपको फाइनेंस की फैसिलिटीज भी मिलती है, वो भी आपको खाली तब मिलेगी जब आपके दिल्ली के पेपर्स होंगे, तभी आपको फैसिलिटी मिल पाएगी। और सेकंड थिंग जो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पे मेंटेनेंस भी कार हो जाता है, सर्विसिंग हो या और भी कोई भी अगर आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड करा दी जाती है। अंडर वन रूफ एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, आप ये कह सकते हो उस चीज को यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कार्स का, जैसे यहाँ पे जो इस टाइम अभी खड़ी हुई कार, एक तो ये थी अपनी Q7, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्टेबल BMW यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है, ये आपने इंट्रो में भी देख लिया होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको इस तरीके की भी, ये भी काफी लग्जरी कार काफी अच्छी है, काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल थी, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें, और यार एक मेन चीज आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप कोई भी अपनी कार सेल करना चाहते हो ना, तो नियर बाय B2 करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपनी ना कोई भी कार सेल कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी कमीशन। आप वहां पे बस अपना एडवर्टीजमेंट डालिए फ्री में, और वहां पे आप अपनी कोई भी कार सेल कर सकते हो, जो भी आपके नियर अबाउट में होगा उसके लिए वो भी कार आपसे जाके परचेज वहां पे कर सकता है। तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और इस शॉप का एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। और यहाँ का नंबर वगैरह जो है वो स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ही करना इसको, और जो लोग चैनल पे नए हैं और जो पुराने हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज ये देखो आपको मैं फर्स्ट कार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑडी है Q7। भैया इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। Q7 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है, हाँ जी। सिंगल ओनर गाड़ी है। सिंगल ओनर है, हाँ जी। प्रीमियम प्लस विद सनरूफ। अच्छा, सनरूफ भी मिल जाएगा इसके अंदर आपको। 65,000 किलोमीटर नियर अबाउट चली हुई है ये कार, ठीक है। और बाकी देखिए, लुक देखिए इसका, काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। बाकी अंदर से मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ उसका, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, ये देखिए। ये देखिए काफ़ी अच्छी कार है। वो भैया डिमांड क्या होगी इसकी? इसकी है 32 लाख रुपीस की इसकी डिमांड है। 2013 मॉडल है भैया। थोड़ा ये प्राइस नेगोशिएबल है या फिक्स है? ये नेगोशिएबल प्राइस है। तो इसके बाद ये देखिए आपको यहाँ पे कन्वर्टेबल भी मिल जाती है BMW, ठीक है। तो BMW कन्वर्टेबल ये देखिए, पहले पूरी कार का आपको एक बार ओवरव्यू इन्जॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखिए काफ़ी अच्छी कार है, ये देख सकते हैं आप। बाकी देखिए इसके अंदर काफ़ी अच्छे अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए। तो भैया इसकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या डिमांड और कौन सा मॉडल है, कौन से ईयर का? 658 कन्वर्टेबल। 650i, हाँ जी, सिंगल ओनर गाड़ी है और सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली हुई है। और भैया क्या आस्किंग प्राइस है इसका? इसका 29.5। तो मैं एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ, 29.5, नियर अबाउट 30 लाख के आसपास की गाड़ी है, ठीक है। और अमाउंट नेगोशिएबल होगा। बाकी कार देखिए एकदम, मतलब अलग ही, एक अलग ही लेवल आ जाता है कार के अंदर बैठने के बाद। कन्वर्टेबल गाड़ी की बात ही अलग होती है, ये देखो आप पूरी कार देखो, ठीक है। और बैक से भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसकी यार आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, एक बार आपको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये देखिए नेक्स्ट कार आपको दिखा रहा हूँ मैं, मर्सिडीज़ की E250 है ये। देखिए एक बार कार का आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ बाहर से, ये देखिए। ये देख सकते हो आप यहाँ पे इसमें। और भैया कौन सी ईयर का मॉडल है और क्या डिमांड है? ये 2015
2015 चली हुई 29,000 किलोमीटर 29,000 किलोमीटर चली हुई है ये कार। तो रेटेड ग्लास को पैनोरामिक सनरूफ वाला। हाँ जी। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 30 सिंगल ओनर गाड़ी और नियर अबाउट 30 लाख के आसपास का इसका आस्किंग प्राइस रहने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं अंदर से भी एक बार लुक। काफ़ी जेन्युइन कार है ये, देखिए। ये देखिए आप जैसे खोलते हैं इस तरीके का आपको लुक मिलता है। देखिए अब एक बार इसके अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉपर, देखिए स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह। यार लग्जरी कार है, क्या स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ मिलता है इसके अंदर। तो आपको ये देखिए, ठीक है। और बाकी सिंगल ओनर गाड़ी है ये, वो नेगोशिएबल प्राइस होते हैं सारे के सारे। कार काफ़ी अच्छी है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। बैक से भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। काफ़ी अच्छी कार है, लग्जरी कार है, बिजनेस क्लास है। और बाकी आप ये देखिए टायर्स वगैरह भी इसके, ये देख सकते हैं, ठीक है। और 30 लाख रुपीज़ इसका आस्किंग प्राइस है। तो गाइस ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट कार दिखा देता हूँ, मर्सिडीज़। भैया कौन सा मॉडल है ये? 2012 मॉडल है। हाँ जी, 220। अच्छा, ई क्लास 220। ये देखिए आपको पूरी कार एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। बाकी कार एकदम वेल मेंटेन कंडीशन में है, ये देख सकते हैं आप। अब एक बार आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो भैया कितनी चली हुई है? ये चली है 68,000 किलोमीटर चली हुई है। और क्या आस्किंग प्राइस है भैया इसका? इसका है 16.5, सिंगल ओनर गाड़ी है। 16.5 लाख रुपए की इसकी डिमांड है, आस्किंग प्राइस जो आप कहना चाहो। और बाकी देखिए कार काफ़ी अच्छी है अंदर से, देखिए यार अच्छी तो होगी भाई, लग्जरी कार है। देखिए इंटीरियर वगैरह सब एकदम साफ़ सुथरी कंडीशन में है, ये देखिए। एक बार आपको बैक से भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। वो भाई कितना बताया था इसका आस्किंग प्राइस? 16.5 लाख। तो गाइस ये देखो, अब आपको मैं यहाँ पे सारी की सारी एसयूवी रेंज दिखा रहा हूँ 4x4। ठीक है, ये 4x4 है पजेरो। तो भैया कौन सा मॉडल है ये? 2010 मॉडल है ये। टॉप पेंट है, सफिक्स। और भैया क्या आस्किंग प्राइस और कितनी किलोमीटर चली हुई है? 9.5 आस्किंग प्राइस है। 9.5, 70,000 चली हुई है, 9.5 इसका आस्किंग प्राइस है। बाकी कार आप देख सकते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है कलर का। VIP नंबर है 1111। अच्छा, VIP नंबर भी मिल जाएगा इसमें 1111। ये देखिए, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एकदम कार अंदर से एकदम अच्छी कंडीशन में, वेल मेंटेन कंडीशन कह सकते हो उसको। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से पीछे से भी देखिए। ठीक है, 7 सीटर भी कह सकते हो उसको, 7 सीटर कार। तो बाकी इसके टायर्स वगैरह देखो, ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छी कार मानी जाती है। एक बार आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए यार, देखिए सारी की सारी आपको रेंज दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो 1x1 करके आपको दिखा दूँगा। ये देखिए, लैंड रोवर भी है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर भी है, ऑडी भी खड़ी है इस तरफ, और इस तरफ स्कोडा भी अभी आपको मैं दिखा दूँगा। तो गाइस ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट मैं कार दिखा देता हूँ एसयूवी सेगमेंट के अंदर ही। फॉर्च्यूनर है ये, 4x2 मैनुअल। ठीक है, तो आप पहले इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको बाहर से। कंडीशन काफ़ी अच्छी है कार की, ये देखिए। तो भैया कौन सा मॉडल है ये? 2014 मॉडल। और कितना किलोमीटर चली हुई है भैया? ये चली हुई 92,000 किलोमीटर चली हुई है। आस्किंग प्राइस क्या होगा इसका? इसका है 17.5 इसका आस्किंग प्राइस है।
ये देखिए, बाकी आपको कार दिखा देता हूँ मैं एक बार। साफ सुथरी कार है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी मेंटेन्ड है कार, ठीक है। और बाकी पीछे से आप देख ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको मैं और भी यहाँ पे कार्स दिखा दूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे रेट्स में आपको यहाँ पे कार मिल जाती है, और जो भी अमाउंट बता रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत यहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो यहाँ पे नेगोशिएट, ठीक है। और बाकी देखिए टायर्स वगैरह और रिम्स वगैरह देखिए कार के, मतलब लग्जरी सेगमेंट और एसयूवी सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छी शॉप है ये क्रेजी अबाउट कार्स, ठीक है। अब अगली कार की तरफ चलते हैं, ये देखिए आपको दिखा देते। तो गाइज़ ये देखिए आपको नेक्स्ट कार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 4x4 फॉर्चूनर। तो ये 2011 मॉडल है और लगभग इसका आस्किंग प्राइस 11.5 लाख रुपये का है, और ये नियर अबाउट 70,000 किलोमीटर चली हुई है। तो एक बार आपको इसका मैं सारा का सारा ओवरव्यू दे देता हूँ बाहर से कि किस तरीके की कार है, ठीक है। कोई डेंट नहीं है कार के अंदर, कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम साफ सुथरी कार है, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं पीछे तक। अब आपको एक बार इसका इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इंटीरियर देखिए, एकदम काफ़ी वेल मेंटेन है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए सीट भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, मतलब आपको पूरा बैक सपोर्ट देगी। और ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब जो आपको नेक्स्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ वो भी इसी का ब्लैक कलर है, फॉर्चुनर का ही, ठीक है। इसके अलावा देखो बीच में ये लैंड रोवर भी है, तो इसको अभी रोकते हैं। इसके पहले आपको ये देखिए ब्लैक कलर के अंदर फॉर्चुनर है, ये सेम स्पेसिफिकेशन है इसकी भी, 2011 मॉडल है, 11.5 लाख रुपये की इसकी भी डिमांड है, और ये भी आपकी 70,000 किलोमीटर ही चली हुई है। बस एक खास बात है इसकी, आप ये देख सकते हैं एलॉय लगे हुए हैं जो मैट ब्लैक कलर के, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पूरी कार का, ये देखो। अब एक बार आपको इसका इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए। और ये जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो अंदर यहाँ पे सीट्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, एकदम मैच कर रहा है कार से, और ये देख सकते हो आप, ठीक है। और वही जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, और बाकी आपको काफ़ी अच्छी कार है यार, बहुत अच्छी कार है ये वाली। तो भाई देखो आपको एकदम बेहतरीन कार दिखाने वाला हूँ मैं, काफ़ी लोगों की ड्रीम कार भी होती है ये, लैंड रोवर है भैया, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। फ्रीलैंडर 2 है, हाँ जी, लास्ट ऑफ है, 2012 मॉडल है ये। और भैया कितना किलोमीटर चली हुई है? 68,000 चली हुई है। 68,000 किलोमीटर चली हुई है। और भैया क्या आस्किंग प्राइस इसका? आस्किंग प्राइस इसका 16.5 लाख। और ये नई कितने की आ रही है भैया? नई ये 60 के आसपास है, 60 लाख रुपये की। और अपने यहाँ कितने की है? 16.5। और बाकी देखिए इसके टायर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कोई स्क्रैच नहीं है कार के अंदर, कोई डेंट नहीं है, काफ़ी अच्छी कार है। एक बार आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ इसका बैक से भी लुक, ठीक है। अब एक बार इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए इंटीरियर देखिए इसका, काफ़ी स्पेस है यार कार के अंदर, काफ़ी अच्छी कार है, ठीक है। ये देखो, और ये आपको एक इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छी कार है और इसकी डिमांड भी काफ़ी सही है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा प्राइस जो भी है ना। आपको ये देखिए, ठीक है। जो अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट कार दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ पजारो, और बाकी आप शॉप का नाम देख सकते हो क्रेजी अबाउट कार। तो भाई ये देखो, अब जो आपको मैं दिखा रहा हूँ पजारो स्पोर्ट्स, इसके पहले मैंने आपको ये रेड कलर की दिखाई थी, ठीक है। अब ये वाली आपको दिखा देता हूँ मैं, तो ये 2012 मॉडल है भैया। क्या आस्किंग प्राइस है इसका? 13.5 लाख रुपए का इसका आस्किंग प्राइस है, और ये चली हुई है लगभग 80,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके हिसाब से यार कंडीशन काफ़ी अच्छी कंडीशन है कार की ना, ठीक है। ये देखो कंडीशन काफ़ी अच्छी है कार की, आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ मैं। अब एक बार इसका इंटीरियर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ मैं, ये 4x4 है, ठीक है। बाकी साफ़ सुथरी अंदर से इंटीरियर, काफ़ी बेहतरीन है, एकदम शोरूम कंडीशन में कार है,
और बाकी अगर आपको यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आप दिल्ली के कागज़ है ना आपके, दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ये कार की EMI भी करवा सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी कार हैं, आपको BMW भी दिखाऊंगा अभी, और भी काफ़ी बेहतरीन कार्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई ये देखो, एक ना लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक और कार आपको दिखा रहा हूँ मैं, स्कोडा ऑक्टिविया। और भैया कौन सा मॉडल है? 2014 मॉडल है, टॉप वेरियंट है, ऑटोमेटिक। और बाकी आप कार देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको कार का लुक देखने को मिलेगा। काफ़ी डिसेंट कार है, काफ़ी अच्छी कार है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। बाकी इंटीरियर आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं इसका, ये देख सकते हैं आप, मतलब स्कोडा की कार काफ़ी अच्छी होती हैं, लग्जरी कार। ये देखिए, देखिए स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और एयरबैग्स तो इसके अंदर है ही। और ये देखिए आप देख रहे हैं ना, फुली ऑटोमेटिक कार है ये। बाकी अंदर से कंडीशन काफ़ी अच्छी है कार की, काफ़ी अच्छा अंदर क्रीम कलर का पूरा इंटीरियर दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप पूरी कार। और भैया इसके आस्किंग प्राइस की बात करें तो क्या रहने वाली है? 55,000 किलोमीटर चली हुई है, 55,000 माइल्स चली हुई है, ठीक है। और ये देखिए आप कार पूरी, अब नेक्स्ट कार जो आती है इसके बाद, जो यार काफ़ी लोगों को पसंद होती है, A4 ऑडी। आप एक बार इसका ये देखिए, पूरी कार दिखाता हूँ मैं भैया। कौन सा वेरिएंट है ये? ये प्रीमियम प्लस है, प्रीमियम प्लस 2011 मॉडल है। ये देखिए कार का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। कितना चली हुई है कार ये? 45,000 चली हुई है ये कार। अभी आपको मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी आस्किंग प्राइस क्या रहने वाला है इसका? है 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज़ इसका आस्किंग प्राइस है, ठीक है। ये देखिए आप ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार इंटीरियर। ये देखिए अभी क्या बताई थी आपने आस्किंग प्राइस इसका? 13 लाख रुपये में काफ़ी अच्छी कार है। देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा इंटीरियर है, वेल्ड मेंटेन्ड है, शोरूम कंडीशन भी कह सकते हो उसको आप। एक बार आपको बैक से भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको ACs मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी कार है यार 13 लाख रुपए में। तो गाइस ये देखो, अब आपको नेक्स्ट कार यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, BMW X3 सीरीज़ की गाड़ी है ये, X3 मॉडल है ये, 2012 मॉडल है ये। बाकी आपको एक बार कार में पूरी नज़र करा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके की कार होने वाली है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अब आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। 17.5 लाख रुपए की इसकी आस्किंग प्राइस है, और बहुत बेहतरीन कार है ये देख सकते हो आप इसका इंटीरियर, ठीक है। और बाकी यार मज़ा आ गया इंटीरियर देख के कार का, ये देख सकते हो आप, और काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कार का, ठीक है। ये देख सकते हो आप पीछे से भी इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। 17.5 लाख रुपए की इसकी डिमांड है, आस्किंग प्राइस कह लो, ठीक है, और नेगोशिएबल है वो भी। अब आपको पीछे से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए पीछे से देख सकते हो आप, बहुत बहुत प्यारी कार है भाई, बहुत अच्छी कार है। और बाकी आप देखिए इसके टायर्स वगैरह, एलॉय वगैरह, ठीक है। एक बार पूरा आपको मैं लुक भी दिखा देता हूँ कार का, ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कार है भैया, इसका कौन सा मॉडल होने वाला है? 2012 मॉडल है, हाँ जी, 730 LD सीरीज़ की कार है ये। और भैया आस्किंग प्राइस? आस्किंग प्राइस इसका 25,000 है। 25,000 रुपये की कार है भैया। नई कार कितने की है? लगभग 1+ यानी 1 करोड़ रुपये के आसपास की कार है ये, अगर आप शोरूम प्राइस की बात करें। और बाकी आप पीछे से मैं आपको कार दिखा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार इसका आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इस कार का इंटीरियर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन इसका इंटीरियर है, एकदम काफ़ी कहते ना एकदम लग्जरी लुक भाई, मतलब अल्टीमेट कार है। और ये देखिए आप सारे के सारे कंट्रोल्स, फुली ऑटोमेटिक कार।
और इसके बाद मैं अब आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बैक साइड से देख लो यार, मतलब यहाँ पे स्क्रीन्स मिल जाती है, वन प्लस 1 करोड़ के आसपास की कार है अगर शोरूम प्राइस की बात करें तो, और काफ़ी सस्ते रेटों में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका प्राइस बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा बाकी कार आप देख सकते हो, पूरी कार दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो बाकी फ्रंट से कार कुछ ऐसी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना इस तरह की और वीडियो देखना चाहता हूँ। टिल देन बाय।